Assalamu alaikum, this is Asian Trade TV and welcome to my program Inspiration by Alyam. अगर तुमने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लिया होता तो आज ये तुम्हें दिन देखना नहीं पड़ता. अगर तुम ये कोर्स कर लेती तो आज तुम किसी पोजीशन पे होती. अगर तुम ये कर लेती तो ऐसे होता, अगर तुम वो कर लेती तो वैसे होता. इस किस्म की हम स्टेटमेंट्स अक्सर सुनते रहते हैं और ये इन स्टेटमेंट्स को कहा जाता है नेगेटिव स्टेटमेंट्स, जो कि हमारे कंपेनियनशिप, जो कि बहुत ज़रूरी है. जब हमारी लाइफ में कंपेनियनशिप में इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं तो हम डिस्करेज होते हैं. लाइफ में हमेशा कोशिश किया करें पॉजिटिव रहने की और नेगेटिव स्टेटमेंट से बचने की. अगर कभी खुदा ना खास्ता इस किस्म का कोई सिनेरियो हो जाता है, कोई मिसहैप हो जाता है, तो बजाय इसके कि आप इस किस्म की बात करें कि अगर तुम्हें तुम्हें मैंने कहा था कि इस तरह नहीं करना, इस टाइम पे मत जाना, ये तो होना था, इसको करने के बजाय समझदार लोग वो होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी मुश्किलात, अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, उन पर पछताते नहीं हैं. तो आप कोशिश किया करें जब आप कंपेनियन हों किसी की फ्रेंड्स हों और किसी के लाइफ पार्टनर हो, तो उनको इनकरेज किया करें और उनको ताने देने के बजाय कोशिश किया करें आगे मूव करने की, मूव ऑन करें लाइफ में. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ और ये इस पे अमल करते हुए आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबियों को ज़रूर पाएंगे. आज हम होम मैनेजमेंट के सेगमेंट में डिस्कस करेंगे अपने मेहमानों को. अक्सर हमारे ऐसे भी गेस्ट्स होते हैं जो हमारे, क्योंकि कल्चर इस किस्म का है कि ज़रूरी नहीं है कि वो कॉल करके आएँ. बहुत से कुछ हमारे इनफॉर्मल गेस्ट्स होते हैं जिनके साथ आप अच्छा भी फील करते हैं, वो कभी बगैर आपको इन्फॉर्म किए भी आ जाते हैं. तो आपके घर में कुछ इस किस्म की चीज़ें प्रिपेयर होनी चाहिए जो आपके लिए भी इजी हो, क्योंकि अक्सर ख़वातीन जो हैं बच्चों में बिजी होती हैं, मसरूफ़ होती हैं, उस वक्त कुकिंग करना मुश्किल होता है, या कुछ ऑफिस गोइंग वर्किंग लेडीज़ होती हैं तो उनके लिए भी मुश्किल होता है. तो जब आपकी गेस्ट आएँ तो कोशिश किया करें उस वक्त आपकी एक ना एक कोई सालन, कोई इस तरह का खाना, कोई आपका प्री कुक होना चाहिए जो कि फ्रीज़र में हो. आप हफ्ते में या तीन दिन या चार दिन के बाद जब आपकी छुट्टी होती है तो उस दिन आप एक सालन ज़रूर निकालें, जो कि आप मतलब जो एक लाइफो वाइफो सिस्टम होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसके तहत आप उस जो आपका जो भी आपने सालन बनाया होगा उसको आप निकाल लिया करें और एक नई जो खाना है वो बना के फ्रिज में रख लिया करें, फ्रीज़र में रख लिया करें. उसी वजह अगर कोई आपकी गेस्ट आ जाते हैं, खाने का टाइम होता है तो खाना ही सर्व करें. उससे आपका रिस्क में कभी कमी नहीं आती, रिस्क बढ़ता ही है, इस पर बिलीव रखिएगा. ये कोई मुश्किल काम नहीं है. अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं, अगर आपने दाल भी रखी होगी तो वो दाल भी बड़े खुशी से खाएंगे, क्योंकि अनइनवाइटेड गेस्ट और वो जो इनफॉर्मल गेस्ट होते हैं वो आपके ऐसे होते हैं, अपने होते हैं, जो आपकी हर खुशी गमी में शामिल होते हैं. लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से भी रख सकती हैं, लाइक समटाइम्स ऐसे होता है कि कीमा होता है, उसके आपने कोई कबाब मसाला बना के रख लिया तो वो उनको भाप लगा दी और उनको फ्रीज़र में रख लिया, तो उससे होते हैं जब आपके अचानक गेस्ट आए तो आपने फटाफट वो निकाला और अपना सालन तैयार कर दिया. इसके अलावा एक और चीज़ ये होती है कि कभी टी टाइम में होता है तो आप चिकन श्रेड करके रखा करें थोड़ा सा, और उसमें ये होता है कि आप अक्सर आते हैं मुर्गी लेके आते हैं, उसमें से जो बोनलेस का जो पीस होता है आप अगर उसमें से एक सिर्फ जो है या एक दो गोटियाँ भी आप निकाल के उनको बॉयल करके श्रेड करके रखें, तो उससे क्या होता है जब आपके मेहमान आते हैं तो ब्रेड हर घर में मौजूद होती है, ब्रेड आप बाजार से मंगवा भी सकते हैं, उसमें आप फटाफट सैंडविच बना के तो अपने गेस्ट को सर्व कर सकती हैं. तो बाइट साइज जो है वो सर्विंग बहुत अच्छी होती है. इसी तरह शामी कबाब में मैं आपको कहूँगी कि शामी कबाब में कोशिश किया करें बाइट साइज सर्विंग किया करें. वो एक तो इसलिए अच्छा होता है कि जब सुबह बच्चों ने ब्रेकफास्ट करना होता है तो एक ब्रेड के ऊपर बाइट साइज सर्विंग जो है वो बेहतरीन होती है, और उसके अलावा जब गेस्ट आते हैं आपके पास मल्टीपल कोई वैरायटी होती है तो उसके लिए भी बाइट साइज सर्विंग इज़ बेटर, इंस्टेड ऑफ कि आप बड़े बड़े कबाब बनाएं वो फिर हाफ करें, या क्योंकि आजकल लोग डाइट कॉन्शियस भी हैं. तो दिस इज़ द बेस्ट टिप फॉर द गेस्ट और फॉर आपके जो घर में आपकी टी टाइम के लिए सर्विंग के लिए. हमारे घर में मेहमान जिसे के अल्लाह की रहमत कहते हैं, सम टाइम्स ऐसे होता है कि कुछ इस किस्म के मेहमान आते हैं जो हम बहुत खुश भी होते हैं उनसे मिलके, लेकिन वो हमें ऐसा कभी टफ टाइम दे जाते हैं और वो भी अनवांटेडली, कि हमें जो है समटाइम्स हम जो है बहुत उनसे तंग आ जाते हैं.
और वो तंग क्यों आते हैं उनके बच्चों की वजह से। बच्चे हर इंसान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, हर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पेरेंट्स को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि वो जब किसी के घर अपने बच्चों को लेके जाएं तो उसमें बच्चों को जाने से पहले मैनर्स सिखाएं, एटिकेट सिखाएं। बहुत सी जगहों पे ये शिकायत आती है, बल्कि हमें ईमेल पे ये बहुत ज़्यादा लोगों ने ये कहा है कि आप इस टॉपिक पे फोकस करें कि हमारे घर में जो गेस्ट आते हैं उनके बच्चे अक्सर शरारतें करते हैं और हम उससे इरिटेट होते हैं। होता ये है कि बच्चे अक्सर आपके घर में डेकोरेशन पीसेज होते हैं मेहमानों के, आप किसी कोई आपके घर आते हैं, आपने डेकोरेटिव आइटम्स रखे होते हैं और वो बच्चे आके उनको छेड़ रहे होते हैं, और पेरेंट्स क्या करते हैं, वो नहीं उनको रोकते, और अगर रोकते भी हैं तो हल्का फुल्का बैठे बैठे रोक दिया। इस किस्म की जब आप हरकत करते हैं तो आप अपना इंप्रेशन भी डाउन करते हैं और जो आपके होस्ट होते हैं उनको भी आप ख़राब करते हैं, उनके दिल को भी, दिल में एक बदगुमानी आती है, बदजनी आती है। तो उससे अवॉइड करें, अपने बच्चों को क्रिटिसिज्म का निशाना मत बनाइए, उनका कोई कसूर नहीं होता है, कसूर होता है पेरेंट्स का। जब आपके बच्चे हाइपर होते हैं उनको समझाइए कि किसी के घर में जाके चीज़ों को छेड़छाड़ नहीं करनी है, उनके रूल सेट करें। अगर वो समझते नहीं हैं तो उनके साथ रहिए, उनको संभालिए, उनको पकड़ के रखिए ताकि वो लोगों की चीज़ों को छेड़े नहीं, और अगर कोई गलती करते हैं तो उनको समझाइए, बेशक उनको एक साइड पे रूम पे लेके जाइए, वहाँ पे उनको समझाइए, झिड़किए अगर झिड़कते हैं। और ये बात एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि बहुत से लोग कहते हैं कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, दैट इज़ ट्रू, बच्चों को मारना बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन आप एक थपथपा सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए। इसकी मैं आपको एक मिसाल बताती हूँ। हाथी का बच्चा होता है, उसको जब बचपन में वो छोटा होता है तो उसको रस्सी के साथ, लोहे की जंजीर के साथ बांधा जाता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो वो उसी जंजीर के कंट्रोल में होता है। रीज़न क्या है? क्योंकि वो ये समझता है कि मुझे ये जंजीर जो है, क्योंकि बचपन में वो छुड़ाने की कोशिश करता है, वो नहीं छूटता, तो वो जब बड़ा होता है तो उसको साइकोलॉजिकली यही रहता है कि ये इस जंजीर जो है ये मैं इसको नहीं छुड़ा सकता। इसी तरह पेरेंट्स जब हल्का फुल्का थपथपाते हैं बच्चे को, झिड़कते हैं या उसको झंझोड़ते हैं किसी रीज़न से, किसी कोई गलती से, तो उसको वो आप बेहतरीन पेरेंट्स की ग्रूमिंग ही कर रहे हैं। हर बार ज़रूरी, क्योंकि ये अक्सर एक कॉन्सेप्ट है कि जी बच्चों को बिल्कुल मारना नहीं चाहिए, को बिल्कुल आप समझाएं, आपके अंदर अगर पेशेंस है तो ज़रूर समझाएं, और उसके लिए फिर आपको री इन्फोर्स करना पड़ता है बच्चों को बार बार समझाना पड़ता है। लेकिन अगर कभी आप कोई सज़ा के तौर पर उसको मारा है आपने, या उसको थपथपाया या झंझोड़ा है, तो उसको री इन्फोर्स ज़रूर करें कि तुम्हें याद है, बार बार मारेंगे नहीं, एक बार अगर आपने इस तरह की काम किया है तो फिर आप बार बार उस बच्चे को वही चीज़ याद दिलाएंगे कि तुम्हें याद है मैंने तुम्हें इस बात पे, तुम्हें मैंने क्या किया था, मैंने किस तरह से रिएक्ट किया था। वो बच्चा हमेशा के लिए आपको समझेगा, सुनेगा। बच्चे स्लेट की तरह होते हैं, बच्चे, किड्स आर जस्ट लाइक वाइट बोर्ड, तो उन पर आप जिस तरह लिखेंगे वो उसी पर नक्श हो जाएगा। तो बच्चों का कसूर नहीं होता है, कसूर मैं समझती हूँ पेरेंट्स का होता है। बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि बच्चे गलतियाँ कर रहे होते हैं तो पेरेंट्स उनका ध्यान बटा रहे होते हैं कि इधर आ जाओ, तुम्हें याद है तुमने ऐसे किया था, कि वो बच्चा, आपने उस बच्चे को ये तो बताया नहीं कि तुम गलती कर रहे हो, तुम उनके डेकोरेटिव आइटम्स को नहीं छेड़ना तुमने, या तुमने किसी चीज़ के ऊपर जंप नहीं करनी। तो दिस इज़ हाउ आप अपने बच्चों को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दें, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर बच्चों की शादी होती है और वो शादी के बाद चूँकि ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं, आप डिफरेंट माहौल में गई होती हैं, समटाइम्स लड़कियों को कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही होती हैं, लेकिन वो घुटना शुरू हो जाती हैं क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाती हैं, वो अपनी बात को ना ससुराल में कह पाती हैं ना अपने हस्बैंड से कह पाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चियाँ जो हैं वो खामोश रहना शुरू हो जाती हैं, डिस्कस नहीं कर रही हैं। उसका भी प्रॉब्लम, ब्लेम जो है वो लड़की पे ही पड़ रहा होता है, वो उसको उल्टा ये सुनने को मिलता है कि बहू तो हमारी बहुत रूड है या चुप रहती है, ज़्यादा घुलती मिलती नहीं है। तो बेहतर यही होता है, ये मैं उन लड़कियों को बता रही हूँ जिनकी शादी होती है, जिनको कोई इशू होता है, वो ज़रूर अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करें, और डिस्कस करने में ये याद रखिएगा कंप्लेंट ना करें, पहले उनसे पूछें कि मुझे ये लग रहा है, मुझे ये फील हो रहा है, क्या इस तरह से है। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं, तो वो खुद ब खुद नॉट्स की तरह खुलना शुरू हो जाती हैं।
तो जब आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो वो गिरहें बनती जाएंगी और आखिर में गुंजल पड़ जाएंगे। तो कोशिश किया करें अपनी बातों को कम्युनिकेट किया करें, डिस्कस किया करें। यही कम्युनिकेशन का एक प्रॉब्लम आता है फैमिलीज में, फैमिली पॉलिटिक्स जो हर जगह हो रही होती है, कहीं ज्यादा होती है, कहीं कम होती है, कहीं बकौल लोगों की बिल्कुल भी नहीं होती, बट दैट इज वेरी गुड। लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उन फैमिलीज को जहाँ पे ये पॉलिटिक्स ज्यादा होती है, एक दूसरे की गॉसिप्स होती हैं, एक दूसरे से गिले शिकवे होते हैं कि लाइक ये इसने ऐसे क्यों कहा, उसने वैसे क्यों कहा। और मसला कहाँ पे आता है, एक दूसरे को बताई जा रही होती है बातें, ठीक है। नन जो है वो दूसरी नन से डिस्कस कर रही है, भांजियाँ कजन एक दूसरे से डिस्कस कर रही हैं, लेकिन मसला क्या है जब आमने सामने जिनके मसले हैं वो आपस में डिस्कस नहीं कर रही हैं, बहनें आपस में डिस्कस नहीं कर रही हैं, बहन दूसरी बहन को बता रही है लेकिन आपस में वो लोग डिस्कस नहीं कर रही, बल्कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि दूसरी बहन उनको बताए। समटाइम्स सम पीपल एक्सपेक्ट दिस थिंग एंड सम पीपल डू नॉट एक्सपेक्ट दिस थिंग। सो द बेस्ट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर दिस गैप इज टू कम्युनिकेट डायरेक्टली, और डायरेक्टली का वही बात बताई है कि आप उनसे पहले डिस्कस करें कि मुझे ये फील हो कि क्या ये इस तरह से है। तो आप अपने आप को फैमिलीज में आमने सामने बैठें, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें और उनके सॉल्यूशंस निकालें। बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा लाइफ में अच्छा सोचें, नेगेटिविटी से दूर रहें। आउज़ु बिल्लाह ही मिन शैतान रजीम पढ़ा करें ज़्यादा से ज़्यादा जब आपको नेगेटिव ख्याल आए, और अपने आप को अल्लाह की पनाह में लिया करें। और इन चीज़ों से जब बचने का सिर्फ यही तरीका है कि अपने आप को सोच को पॉजिटिव रखें। समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ नेगेटिव पीपल होते हैं लाइफ में, बहुत नेगेटिव पीपल होते हैं, उनके साथ डिस्कस करें। और मैंने अपनी एक एपिसोड में पहले भी बताया था कि अगर आपको लगता है कि वो डिस्कशन के साथ या किसी चीज़ से नहीं आपसे आपकी बात सुनते हैं या आपको आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करते हैं, तो ट्राई टू अवॉइड दोज पीपल, उनसे कदा ताल्लुक ही मत कीजिए। सलाम दुआ ज़रूर रखें लेकिन उन लोगों को अवॉइड करें, ऐसे लोगों के साथ कोशिश करें कम मिलें, और उनको लाइफ में ज़्यादा उनको डिस्कस ना करें, ना ही उनके बारे में ज़्यादा सोचें। आपकी लाइफ इम्पॉर्टेंट है, अपनी लाइफ को सोचें, मूव ऑन करें और अपनी लाइफ के बारे में अच्छा अच्छे गोल्स लें और उनके बारे में सोचें। उम्मीद है कि आपको हमारे प्रोग्राम की टिप्स पसंद आई होंगी, और हमें जो भी आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, जो आप चाहती हैं कोई चीज़ डिस्कस करना या किसी प्रॉब्लम का सलूशन लेना, तो हमारा ईमेल एड्रेस junemall@yahoo.com, इस पर आप हमें ईमेल करें और अपनी प्रॉब्लम्स की सलूशन आपको हम फ्री कंसल्टेंसी देंगे और उनको भी हम क्लियर करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ वो ये है कि बहुत सी हमारे पाकिस्तान में लेडीज हैं जो अपने बिजनेस करना चाहती हैं, उनके लिए एशियन ट्रेड टीवी की तरफ से एक ऑफर है कि जो अपना बिजनेस करना चाहती हैं, कोई छोटा स्मॉल स्केल पे चाहती हैं कि अपने पैरों पे खड़ी हों, वो ज़रूर हमें कांटेक्ट करें और हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, हम उनको बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज देंगे, हम उनको फंडिंग भी करेंगे। तो अपना ज़रूर हमें ईमेल करें और उसमें हमें बताइए, हम आपको मशवरा भी देंगे, हम आपको फ्री काउंसलिंग भी देंगे और इसके अलावा आपके बिजनेस में हम आपको सपोर्ट भी करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मा अस्सलाम।